How to install ES File Explorer in your laptop and PC. आज के वीडियो में इस मेथड को किस तरीके से अप्लाई करना है अपने PC में, यही मैं आपको बताऊंगा। अगर बात करें यहाँ पर टॉप फाइल मैनेजर्स की, तो उसमें ES File Explorer का नाम आता है। बिंग एंड्रॉयड यूज़र, अगर आप एंड्रॉयड के यूज़र हैं तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि ES File Explorer क्या है। ये एक बेस्ट फाइल मैनेजर है जिसकी हेल्प से आप इजीली अपने लैपटॉप या फिर अपने एंड्रॉयड मोबाइल में इजीली अननेसेसरी फाइल्स एंड फोल्डर्स को फाइंड कर सकते हैं और उसे आप डिलीट कर सकते हैं, जिससे आपके एंड्रॉयड में या तो आपके PC में इजीली यहाँ पर जो स्पेस है खाली हो जाएगा। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि ये जो एप्लीकेशन है ये सिर्फ एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए, तो अगर आप इसे अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसका कोई भी लैपटॉप वर्जन नहीं अवेलेबल है जिससे कि आप इसे PC में इंस्टॉल कर पाए। लेकिन स्टिल आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं एक मेथड को अप्लाई करके जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक ब्लू स्टैक एप्लीकेशन की। ये एक एंड्रॉयड एमुलेटर एप्लीकेशन है जो एंड्रॉयड की एप्लीकेशन को लैपटॉप एंड PC में इंस्टॉल करने में आपकी हेल्प करता है। तो अगर आप ES File Explorer को अपने PC में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस ब्लू स्टैक एप्लीकेशन को अपने PC में इंस्टॉल करना होगा। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, गूगल क्रोम में जाके सर्च करके आप डायरेक्टली ES File Explorer को, यानी कि जो ब्लू स्टैक है उसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके बाद इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट बेस पे प्ले स्टोर एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे कोई भी प्ले स्टोर एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट बेसिस पे आपको प्ले स्टोर एप्लीकेशन मिल जाता है। तो डायरेक्टली आपको प्ले स्टोर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पर आपको एक वेबसाइट पे जाना है और सिंपली आपको सर्च करना है ES File Explorer और उसके बाद apkpure.com। फिर यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी और यहाँ से ES File Explorer को डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना है। बिकॉज ये जो एप्लीकेशन है ये आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं मिलेगा, इसको प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया है। तो इसके लिए आपको क्रोम ब्राउज़र में जाना है और apkpure.com से इस ES File Explorer को डायरेक्टली आपको डाउनलोड कर लेना है अपने PC में। जस्ट लाइक दिस, सिर्फ ओनली 17 MB का ही एक छोटा सा एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको डाउन साइड में फोल्डर का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है और डायरेक्टली आप डाउनलोड फोल्डर में विजिट कर पाएंगे और यहाँ पर आपको डाउनलोड ES File Explorer का APK दिख जाएगा। इस पर डायरेक्टली आपको डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके ब्लू स्टैक में ये ES File Explorer इंस्टॉल्ड हो जाएगा और फिर डायरेक्टली ये आपके डेस्कटॉप में आ जाएगा। यू कैन सी दैट। तो यहाँ पर जब भी आप इंस्टॉल करो तो मेक श्योर कि आपका ब्लू स्टैक एप्लीकेशन ओपन हो, उसके बाद ही उसे आप इंस्टॉल करो, फिर डायरेक्टली ये आपके PC में इंस्टॉल्ड हो जाएगा। एंड इट इज़ अ कम्प्लीटली बेस्ट फाइल मैनेजर टू यूज़ इट इन योर एंड्रॉयड एंड इन योर लैपटॉप एंड PC। सो इसी तरीके से आपको अपने PC में ES File Explorer को इंस्टॉल करना है। सो दैट्स इज ऑल अबाउट। आई होप यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन।